और अब रुख करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। इन दिनों प्रदेश में आम तो आम खास भी सुरक्षित नहीं है, ये क्यों कह रहे हैं तस्वीर देखकर समझ जाएंगे। तस्वीर ग्वालियर की है जहां ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के भाई पर हमला हुआ है। ये तस्वीर पुरानी छावनी स्थित ऋतुराज होटल के पास की है जहां ऊर्जा मंत्री के भाई पर कार चढ़ाने की कोशिश की गई। तस्वीरों में देखिए कैसे कार को घुमाया जा रहा है और कार ऊर्जा मंत्री के भाई के ऊपर चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। वहीं घटना के बाद गार्ड की शिकायत पर 6 लोगों के खिलाफ शिकायत की गई है। आरोपियों में मुरैना के दिलीप राठौर, प्रवीण राठौर, विजेंद्र राठौर, भूरा कंसाना, कुलदीप राठौर, संजय राठौर के भी नाम शामिल हैं, जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। आपने फिल्मों में तो कई बार किडनैपिंग करते हुए देखा होगा, गाड़ियों से अपराधी आते हैं, बंदूक तानते हैं, मारपीट करते हैं और फिर उठा ले जाते हैं। अब हम आपको फिल्म की ही नहीं बल्कि हकीकत में दिन दहाड़े हुए अपहरण की तस्वीर दिखाएंगे। तस्वीरें बड़वानी के खेतिया थाना क्षेत्र की हैं, जहां फिल्मी स्टाइल में किडनैपर पहुंचते हैं, दुकान पर बैठे व्यापारी से मारपीट करते हैं और भरे बाजार से उठा ले जाते हैं। इस दौरान बाजार में मौजूद लोग मूक दर्शक बने रहते हैं। घटना की तस्वीरें दुकान में लगी सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी के आधार पर किडनैपर की तलाश कर रही है। पुलिस ने शुरुआती जांच में व्यापारी को किडनैप कर महाराष्ट्र की तरफ ले जाने की पुष्टि की है। एक तरफ जहां पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने और हमारी रक्षा के लिए तैनात किया जाता है, तो दूसरी तरफ पुलिस पर ही सवाल उठ रहे हैं। दरअसल इंदौर के एक होटल में एक व्यापारी ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले व्यापारी ने 5 पेज का सुसाइड नोट लिखा। व्यापारी राजीव शर्मा ने सुसाइड में पुलिस प्रताड़ना का आरोप लगाया है। साइड नोट में 2 पुलिस कर्मियों और उसके एक सहयोगी के नाम का जिक्र है। व्यापारी ने सब इंस्पेक्टर चौहान पर झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया है। साथ ही पुलिस पर 20 लाख रुपए की डिमांड का भी आरोप लगाया। वहीं आत्महत्या के बाद मौके पर मौजूद खबरकुआ थाना क्षेत्र की पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। उन लोगों को तो बस पार्टी करनी थी, जगह का क्या, कहीं भी हो, भले ही वो कार्यस्थल क्यों ना हो। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो मुरैना की है, जहां शराब पार्टी कर रहे नगर निगम कर्मचारियों का नशा उस समय फुर हो गया जब निगम कमिश्नर ने उन्हें पकड़ लिया। दरअसल दमकल प्रभारी के चैम्बर में शराब पार्टी हो रही थी और दमकल प्रभारी सहित 3 नगर निगम के कर्मचारी शराब पार्टी कर रहे थे। इस दौरान किसी ने इनका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। दमकल प्रभारी के चैम्बर में शराब पार्टी की खबर लगते ही नगर निगम कमिश्नर वहां पहुंच गए और मौजूद लोगों को जमकर फटकारा। कमिश्नर ने प्रभारी सहित 3 निगम कर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 24 घंटे के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि इन लोगों पर क्या कार्रवाई होती है। जिस नोटिस को थमाया गया है उसका कोई असर दिखेगा या नहीं। हर गलत काम का एक दिन अंत होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा शूरमा क्यों ना हो। छतरपुर में भी इन दिनों बदमाशों पर शिकंजा कसा जा रहा है। बदमाशों के अवैध मकान, दुकान और निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो छतरपुर की हैं, जहां कुख्यात बदमाश फियाज खान के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। बदमाश ने नूजल की जमीन पर कब्जा कर मकान बनाया था, जिसके बाद अफसरों की नजर मकान पर थी। एडीएम और सीएसपी ने इस मामले में कार्रवाई की और पुलिस बल के साथ कोतवाली थाना क्षेत्र के जेल रोड पहुंचे, जहां अवैध मकान पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन ने अवैध निर्माण पर पहले भी बुलडोजर चलाया था। एक बार फिर से इस तरह की कार्रवाई की गई है और बदमाशों पर शिकंजा कसा गया है।
अस्पताल मरीज इलाज के लिए जाते हैं, लेकिन सोचिए उन मरीजों के साथ वहाँ गुंडागर्दी हो जाए तो उसका क्या हाल हो। ऐसी ही एक गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर सीहोर के जिला अस्पताल की है, जहां सुरक्षा के नाम पर तैनात आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मचारियों की गुंडागर्दी देखने को मिली। कर्मचारियों की गुंडागर्दी चरम पर है। जच्चा बच्चा वार्ड में भर्ती एक महिला मरीज परिजन से पानी भरने की बात कहने के बाद इस पर विवाद हो गया और सुरक्षा कर्मचारियों ने मरीज के परिजन पर ही हमला बोल दिया। अस्पताल के अंदर सुरक्षा कर्मचारियों की गुंडाई का वीडियो वायरल हो रहा है। सीसीटीवी भी सामने आने के बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सड़क हादसे की तस्वीर मुरैना से आई, जहां ग्वालियर से दिल्ली जा रही बस सड़क हादसे का शिकार हो गई। हादसे का शिकार हुई स्लीपर बस में दर्जनों लोग सवार थे, जिनमें तीन की मौत हो गई, वहीं सात लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दुर्घटना सरायछोला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 44 पर हुई। अन्य घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया गया है। वहीं तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुर्घटना कितनी भयावह है, जहां बस के परखच्चे तक उड़ गए। अब आपको हादसे की वो तस्वीर दिखाते हैं जो दमोह से आई है, जहां दमोह जबलपुर मार्ग पर यात्रियों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। ये सड़क दुर्घटना नोहटा थाना क्षेत्र के हथनी के पास हुई है, जहां एक ट्रक से यात्रियों से भरी बस टकरा गई। हादसे के वक्त बस में 40 से ज्यादा लोग सवार थे, करीब 30 लोग घायल हुए। घायलों को 108 एम्बुलेंस डायल 100 सहित विभिन्न माध्यमों से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायल यात्रियों का इलाज जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ट्रक से टकराकर बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बस के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुर्घटना कितनी जबरदस्त हुई होगी। वहीं घटना की खबर लगते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और राहत कार्यों में जुट गई। प्यास बुझाने के लिए हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक यानी नाम से ही ठंडा पेय पदार्थ, जिसके पीने से गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन अब इस कोल्ड ड्रिंक में ही आग लग गई। मामला साजापुर का है, जहां कोल्ड ड्रिंक से भरे ट्रक में भीषण आग लग गई। दरअसल कोल्ड ड्रिंक लेकर जा रहा ट्रक जब कुरावर रोड से गुजर रहा था, तभी बिजली के खंभे से टक्कर हो गई। खंभे से टकराने के बाद ट्रक में भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे ट्रक धू धू कर जल रहा है। हादसे के बाद पूरा कोल्ड ड्रिंक आग में स्वाहा हो गया, वहीं ट्रक भी जलकर राख हो गया। मौके पर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। वो तूफान जिसने देश के एक हिस्से में तबाही मचा दी, वो आगे बढ़ रहा है और अब बारी एमपी की है। बाद बिपरजॉय तूफान की, जिसका असर आपने गुजरात में देखा, राजस्थान में देखने के लिए मिल रहा है और अब कल तक मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिल सकता है। कल बिपरजॉय तूफान राजस्थान के रास्ते एमपी पहुंच रहा है, जहां एमपी के कई जिलों में इसका असर देखने को मिल सकता है। ग्वालियर, चंबल, सागर और जबलपुर में भारी बारिश की संभावना है। राजधानी भोपाल, धार, भिंड, सीहोर, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, नीमच, मंदसौर, इंदौर, छिंदवाड़ा, जबलपुर, सागर, रतलाम, टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर जिलों में बारिश की पूरी संभावना है। हालांकि प्रदेश में फिलहाल भीषण गर्मी का दौर चल रहा है, लेकिन कल तूफान के असर के बाद मौसम बदल सकता है। कहने को तो ये असीमित डेटा की दुकान की कुछ किलो बाइट की छोटी सी तस्वीर है, लेकिन इसके पीछे छिपी चेतावनी कई जिंदगियों पर भारी पड़ चुकी है और कईयों पर भारी पड़ने वाली है। सिवनी के कान्हीवाड़ा में हुए एक मोबाइल ब्लास्ट में एक शख्स बुरी तरह से जख्मी हो गया। अच्छी बात तो ये रही कि उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया और फिलहाल उसका उपचार जारी है।
ऐसा भी नहीं है कि ये युवक कोई सालों पुराना मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था, बल्कि एक हफ्ते पहले ही इसने ये नया मोबाइल खरीदा था जिसमें धमाका हो गया। हैरानी तो तब और बढ़ जाती है जब पता चलता है कि एक बड़ी कंपनी का करीब 28,000 रुपए वाला ये मॉडल था जिसमें ब्लास्ट हुआ। गोपालगंज के रहने वाले अखिलेश साहू इस ब्लास्ट को लेकर बात तक नहीं कर रहे। किसी काम से हिनोतिया गांव आए थे, अखिलेश की बाइक पर बैठे रहने के दौरान ही यह हादसा हो गया। अखिलेश चाहते हैं कि मुआवजा मिले, लेकिन नियमों के पेंच में यह इतना भी आसान नहीं होगा। आम लोगों की जिंदगी से मोबाइल का जुड़ाव अब सिर्फ बातचीत की सीमा से कहीं आगे जा चुका है। इतना ही नहीं, मेट्रो की हदों से निकलकर खेत की मेड़ तक भी आ पहुंचा है मोबाइल। लेकिन सस्ते की चाहत में घटाई जा रही लागत ने इसे बहुत ही घातक बना दिया है। वो फिर से लौट आई लोगों को लूटने। उसके निशाने पर वो कुंवारे हैं जिन्हें शादी की जल्दी है। कुछ को लूटा और लूटने की बारी है। अगर शादी की है आपको जल्दी, तो हो जाइए सावधान, क्योंकि ग्वालियर के थाटीपुर इलाके में रहने वाले चचेरे भाई भरत गुप्ता और रोहित गुप्ता की शादी उत्तर प्रदेश के अंजलि और संजना के साथ। शादी के चार दिन बाद ही दोनों दुल्हनें जेवरात और नकदी लेकर भाग निकली। रोहित और भरत का रिश्ता उनकी बुआ के बेटे के जरिए हुआ था। बुआ का बेटा बंटी गुप्ता ने दोस्त जीतू और लालू के जरिए ये रिश्ता करवाया था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की रहने वाली दो बहनों अंजलि और संजना के साथ भरत और रोहित की शादी हुई। रोहित और भरत का 9 जून को संजना और अंजलि से रिश्ता तय हुआ। 11 जून को दोनों जोड़े शादी के बंधन में बंध गए, लेकिन चार दिन बाद 15 जून को अंजलि और संजना जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गई। भरत और रोहित के परिवार वालों ने करीब शादी में 5 लाख रुपए तक का खर्च किया। एक युवती अंजलि चौहान बताई गई, जबकि उसकी बड़ी बहन संजना चौहान है। दोनों के आधार कार्ड में पता पारसखंड बरगदवा हरिया महाराजगंज उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है। पुलिस अब आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के जरिए लुटेरी दुल्हनों को दबोचने में जुटी हुई है। इन दिनों मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मियों की वजह से तिनके की आग भी कब विकराल रूप धारण कर लेती है खबर नहीं लगती। ग्वालियर से आग की एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई जहां सुभाषगंज मार्केट इलाके के ओवरब्रिज के पास गुमटियों में भीषण आग लग। आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते फैलती चली गई। तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी विकराल है, जो एक के बाद एक करते हुए करीब दर्जन भर गुमटियों को अपनी जद में ले लेती है। इस आगजनी की घटना से लाखों रुपए का नुकसान हुआ, साथ ही कितनों का रोजगार खत्म हो गया। अब उन्हें एक बार फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। एक तो चिलचिलाती गर्मी, ऊपर से लू चलने वाली हवा। छत्तीसगढ़ में ऐसे ही हालात इन दिनों बने हुए हैं। गर्मी की वजह से लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। मौसम विभाग ने एक बार फिर गर्मी को लेकर अपडेट दिया, जिसके मुताबिक अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि अगले 24 घंटे प्रचंड गर्मियों का सितम देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में लू चलने का अलर्ट है, जिसमें बलौदाबाजार बिलासपुर दुर्ग जांजगीर चांपा महासमुंद मुंगेली रायगढ़ रायपुर और राजनांदगांव शामिल है। बात बिपरजॉय तूफान के असर की करें तो प्रदेश में इसका कोई असर नहीं दिखने वाला है।